वेलकम बैक टू शक्ति क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर फ्रॉम बुक वन। तो हम पढ़ेंगे इसमें किनशिप, कास्ट एंड क्लास के बारे में। किनशिप का मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा। कास्ट का मतलब होता है जाति और क्लास का मतलब वर्ग, यानी आप कौन से वर्ग से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वर्ग के पता चलता है। इससे महाभारती पर पूरा फोकस करेंगे चैप्टर में। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बॉक्सेस बने होते हैं आपके बुक्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो कि बॉक्स का एक अलग से वीडियो बनाओ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही लॉकडाउन में आप महाभारत देख ही रहे हो टीवी पे, तो उसके साथ इसको कंपेयर कीजिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेवरल चेंजेस। हमने बहुत सारे चेंजेस पढ़े, किस किस बारे में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ, कौन से टाइम में, 6 BCE to 6th century, ये है 6th century के बारे में, यानी 1000 साल, यानी एक एरा, 6th century के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि महाभारत एक क्लोजर एपिक है, एक महाग्रंथ है, एक धर्म ग्रंथ है जो रनिंग है आज भी। इसमें 1 lakh verses यानी 1 लाख श्लोक है, इससे ज्यादा है। 1 लाख तो वैसे काउंट किए गए, इससे ज्यादा भी 1 लाख श्लोक है। और इसमें हमें रेंज मिलती है बहुत बहुत बड़ी रेंज की, जो सोशल कैटेगरीज है। सोशल कैटेगरीज कौन सी, सोशल कैटेगरीज है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैसे सोशल कैटेगरीज होती हैं। साथ ही सिचुएशन है कौन सी, सिचुएशन ऑफ कैटेगरीज के बारे में है। और जो हमें इस रिचेस्ट टेक्स्ट से मिलती है सब कॉन्टिनेंट की, सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया के बारे में बात हो रही है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये इसके कॉन्टिनेंटल टेक्स्ट सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसके अलावा इसको महाभारत को लिखने में 1000 साल लगे थे, ये 500 BC से स्टार्ट होती है, खत्म होती है 500 CE पे। तो कुछ स्टोरीज होती हैं जो आज भी कंटिन्यूस चल रही हैं और एक ही इसकी बेसिक स्टोरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ पिक्चर्स हैं, ये वेद व्यास जी हैं जिन्होंने महाभारत लिखी थी। ये कृष्ण अर्जुन है, यहाँ पे सेम कृष्ण अर्जुन है, महाभारत बुक है। तो इसके बारे में तो क्वेश्चन बनता है कि वनवास के लिए की महाभारत की किसने लिखी थी, उनका आंसर होगा वेद व्यास जी। कंटिन्यूस में यह है कि जो सेंट्रल स्टोरी है इसकी, जो मुख्य कहानी है, वो सिर्फ एक वॉरिंग के ऊपर है जो दो भाइयों, दो कजन्स कजन्स के बीच में होती है, पांडव और कौरव। तो टेक्स्ट कंटेन करते बहुत सारे नॉर्म्स यानी नियम करती है कि राजा का नियम क्या होगा, रानी का नियम क्या होगा, ब्राह्मण्स का नियम क्या होगा, स्टूडेंट्स का नियम क्या होगा। इसमें बहुत सारी आपको स्टोरीज मिलेंगी ऐसे, और उन नॉर्म्स को बहुत सारी सेल ग्रुप्स को कैसे फॉलो करना है उसके बारे में मिलती है। और जो ज्यादातर जो ओकेजन यानी जो मोस्ट ऑफ देम जो प्रिंसिपल कैरेक्टर मेन पात्र है, वही इन सब नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट भी चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण ने और अर्जुन पांडव थे वो क्षत्रिय थे, वहीं एकलव्य थे निषाद, जो जंगल में भटकते हुए लोग होते हैं यानी आदिवासी टाइप के। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि वह निषाद था। निषाद का क्या काम था कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता उस समय। तो ये नॉर्म्स हैं, ये नियम थे, ये सिर्फ मेन प्रिंसिपल कैरेक्टर को फॉलो करते आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे क्रिटिकल एडिशन। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ये स्टार्ट होता है 1919 में, और कब खत्म होता है 1966 में खत्म होता है, 1919 में स्टार्ट होता है ये चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स एज वेल एज 8 मार्क्स। तो ये किसके लीडरशिप में होता है, ये होता है संजय संस्कृतिस्ट, एक संस्कृत है, ये संस्कृत के विद्वान थे, वो थे V.S. उत्तंकर। इस टीम के 12 लोग, डजन टीम थी जिसने बहुत सारे टास्क लिया था, और टास्क क्या था, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत था। इसको कलेक्टिंग संस्कृत, इसमें क्या काम किया था, उन्होंने बहुत सारी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि, स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट समझते हो ना, जो स्टोन्स पे नहीं लिखी जाते, स्टोन्स पे लिखे जाते हैं इंस्क्रिप्शन, जो स्टोन्स पे नहीं लिखे उन्हें कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, रिटर्न किए थे। वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट मिली है साथ में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से हमें बहुत स्क्रिप्ट मिली है। और टीम ने एक मेथड अपनाया, वो मेथड क्या था कि कंपेयर करना, जैसे हमें महाभारत की स्क्रिप्ट है वो कहाँ कहाँ पे मिली है, नॉर्थ में कश्मीर और नेपाल में मिली है, साउथ में केरला तमिलनाडु में मिली है, तो हमने कश्मीर से नेपाल और केरल तमिलनाडु की
सारी स्क्रिप्ट को कंपेयर किया और फिर वहां पे जो हमने वर्सेस को सिलेक्ट किया है वो वर्सेस हमें 1 लाख मिले हैं और 13,000 पेज की एक बुक बनी है पूरी। आप समझ सकते हो कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी कम पेज होते हैं, कम से कम 100 या फिर 200 पेज की बुक्स आप एक साल में नहीं पढ़ पाते हो और वो पूरी एक महाभारत एक 13,000 पेज की बनती है। साथ में दो थिंग्स इन्हें मिली है, वो थिंग्स क्या थी कि जो स्टोरी है वो डिफरेंट है सभी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर और लेकिन मेन स्टोरी के अंडर वर्क करती है और डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी गई, जैसे नॉर्थ इंडियन संस्कृत में लिखी गई है, कहीं भी प्राकृत में लिखी है, पाली में लिखी गई है, दक्षिण भारत में तमिल में लिखी गई है, मलयालम में लिखी है, कन्नड़ में लिखी गई है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज में लिखी गई है। लेकिन जो उसकी लैंग्वेज है संस्कृत वाली जो वेदों की लैंग्वेज है उससे बहुत ईजी है महाभारत की लैंग्वेज। ये हम समझते हैं कि ये पॉइंट क्या है। देखिए स्टोरी एक है, स्टोरी एक कौन सी है कि महाभारत की लड़ाई होती है दो ब्रदर्स के बीच में, कुरुक्षेत्र की है, इधर कौरव होते हैं और इधर पांडव होते हैं, सेम स्टोरी है। लेकिन उसी स्टोरी को बार 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 रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उसी स्टोरी को बार बार अलग अलग तरीके से बताया गया है। हम आगे चैप्टर में इसको डिस्कस करते जाएंगे, साथ में बॉक्सेस होंगे उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है किनशिप एंड मैरिज। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स और टर्म आपके वन मास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैरिज के बारे में और किनशिप यानी बंधुत्व, भाईचारा या फिर परिवार, इसे परिवार कह सकते हो। इसमें ये जो तीन है ये है किसके बेस पे, किनशिप के ऊपर बेस पे है और बाकी के छह ये 7 पॉइंट है ये है मैरिज के ऊपर। तो ये रूल्स है, मैनी रूल्स, आर यू एलियस, ठीक है। तो कुल क्या होता है, कुल होता है एक फैमिली को डेजिनेट करता है कि फैमिली आप कौन से कुल से हैं, वो कुल होता है। ये संस्कृत वर्ड जाति है, इसको इंग्लिश में जंति लिखा जाता है, ये जाति है। ये लार्जर नेटवर्क इनफ्लो का 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण और उन वर्ण के भी बियॉन्ड जाती है जाति। वर्ण तो 4 होते हैं, 4 का कोई वर्ण बन नहीं सकता, तो उसको अगेन कंपेयर कर अगेन उसको डिवाइड करना उसे कहेंगे जाति। जैसे आप किसान आप आते हो, वैश्य, तो वैश्य में कौन सी जाति आती है, उसको जाति कहते हैं। ये वंश है, ये वंशा को संस्कृत में वंश कहते हैं और इसको इंग्लिश में वंशा लिखा जाएगा, लाइनेज है, कौन सी आपकी फैमिली की लाइनेज है। फिर ये है पैट्री, ये है पैट्रिलिनी, ये अलग टर्म है। पैट्रिलिनी क्या होता है कि एक फादर से उसके बेटे की तरफ डिसेंट प्रॉपर्टी जाती है, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, खासकर जो राजा का एल्डर बेटा होता है, बड़ा बेटा, उसको राजा बनाया जाएगा। और दूसरी टर्म मैट्रिल, यानी माँ के थ्रू डिसेंट जाना बेटे को, उसे कहते हैं मैट्रिलिनी। ये 1 मास के सारे टर्म इंपॉर्टेंट है। और फिर 6 पॉइंट आपका एंडोगैमी। एंडोगैमी होता है कि ये मैरिज के टाइप है, 8, 6, 7, 8, 9, 10 चारों पार्ट मैरिज के ऊपर फोकस है। एंडोगैमी होता है किसी एक कुल में शादी करना विद इन अ यूनिट, इसे ब्राह्मण से ठीक बताया इस वाली को। फिर एक्सोगैमी होता है आउटसाइड अ यूनिट, यानी अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट के साथ शादी करना। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, अब वो किसी शूद्र से शादी करता है, तो ये ब्राह्मण के अनुसार रॉन्ग था, गलत था। यानी जो ब्राह्मण होगा ब्राह्मण से ही मैरिज कर सकता है, जो शूद्र शूद्र से मैरिज कर सकता है। 8वां पॉइंट है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब एक मैन जिसकी सेवरल वाइफ्स हो, एक मैन की सेवरल वाइफ हो। जैसे आप रामायण में देखते हैं दशरथ की 3 वाइफ्स होती हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, यानी राम की 1 वाइफ होती है सीता। और उसी प्रकार अर्जुन की 2 वाइफ होती हैं, सुभद्रा और द्रौपदी, उसे कहते हैं पॉलीगैमी, यानी एक आदमी पास एक से ज्यादा वाइफ होना। दूसरी टर्म है पोली एंड्री। पोली एंड्री है वुमेन जो ऑफ सेवरल हस्बैंड हो, जिनके पास एक वुमेन के सेवरल हस्बैंड होते हैं, द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, उसे कहते हैं पोली एंड्री। फिर एक टर्म आती है मनुस्मृति, ये बुक है जिसमें ये नॉर्म्स लिखे गए हैं, मनुस्मृति में लिखा गया है, इसका टाइम बिटवीन इंपॉर्टेंट है 1 मास के लिए। ये मनुस्मृति में जो मनु है एक ऋषि थे, ये बहुत बड़े ऋषि थे, इन्होंने अपनी दिमाग के हिसाब से इन्होंने सारे रूल्स बनाए थे। और ये स्मृति यानी बाद में बुक लिखी है, तो मनुस्मृति के आधार पे बुक उसे कहते हैं मनुस्मृति, संस्कृत में लिखी गई है ब्राह्मणों द्वारा और ये 220 से 200 तक लिखी गई है, या इसको भी एक समय लगा है पूरा और इसमें सारे रूल्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं गोत्र ऑफ वुमेन। गोत्र ऑफ वुमेन मतलब गोत्र को आज के समय आप एक सरनेम के थ्रू समझ, सरनेम होता है गोत्र का मतलब। तो 1100 BC के आसपास ब्राह्मण
आसपास एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस की गई, ब्राह्मणों द्वारा प्रैक्टिस की गई कि पीपल को क्लासिफाई, पीपल को कैसे फर्दर डिवाइड किया जाए, फर्दर डिवाइड किया जाए उसके ऊपर था कि ये इस गोत्र का है, ये उस जाति का है, तो उस जाति का इस गोत्र का है, इस वर्ण के इस जाति का इस गोत्र का है, तो ऐसे क्लासिफाई करने के लिए ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। तो जो गोत्र है वो किससे डिराइव हुए हैं, एक वैदिक सीर के नाम से। वैदिक सीर होते हैं वैदिक ऋषि, तो वैदिक सीर यानी आप एग्जाम्पल गौतमा थे, ऋषि गौतम, उनके नाम से गौतम सरनेम पड़ गया, तो ये था। और वुमेन को क्या काम था, वुमेन को अपना फादर होता त्याग कर एक हस्बैंड गोत्र अपनाना पड़ता था मैरिज के बाद में, और सेम सेम गोत्र के पीपल शादी नहीं कर सकते थे, ये मनुस्मृति में लिखा गया है। तो ये था फर्स्ट पार्ट, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। आप फर्स्ट पार्ट कोई डाउट हो तो पूछे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बॉक्सेस के लिए आप फिर से कह रहा हूँ कि समझ जाए तो मुझे कहेगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स एंड बाय।